फिलहाल तो मैं खाना खा रहा हूँ, आप जरा सिनेमैटिक्स रिव्यूज देखें उसके बाद आपसे बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज देने हैं आपने। यार ये देखें कर दें ऐसे ही, वो दो नंबर वाली शायद है। ज़फ़रान लाची और नींबू और पानी और पत्ती माँ बाप का। जी सरदार ज़फ़र एक और नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, और आज मैं अपनी सबसे फेवरेट जगह पे आया हूँ। अब सबसे फेवरेट ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, सियासत के तो ना ही पूछें वैसे, तो आजकल के हालात के अकॉर्डिंग हमारी कौमी खुराक जो है ना वो एक ही होगी आजकल। तो आज वो हम कौमी खुराक देखेंगे अपनी कि हमारा ऐसा कौन सा खाना है जो हमें अब मिल वो भी मिलने से रहा फिलहाल। तो देखते हैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी जगह बात कर रहा था, वन एंड ओनली डीसी ढाबा। डीसी ढाबा जो है जी, इसकी लोकेशन अगर मैं आप पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जब आप आएंगे तो उसी के अंदर ये है। मतलब ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए था, तो लेकिन अपने क्वालिटी की वजह से और अपने खाने की वजह से वो इतना ज़्यादा मकबूल हो गया कि अब पूरे लाहौर से यहाँ लोग यहाँ स्पेशली इनकी जो दाल है वो ट्राई करने आते हैं। तो मैं तो बड़े सालों से खा रहा हूँ जी, तो आज आपको भी दिखाते हैं ज़रा का सेटअप दिखाते हैं। बहुत बड़ा सेटअप है, मतलब मुझे याद है जब इन्होंने शुरू किया था तो रैंडमली को इनके पास 5-6 लोग काम करने वाले थे, तो अब इनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं सिर्फ काम करने वाले। तो इनके पास दो टाइम खाना, अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़बरदस्त इनका टेस्ट है और क्या क्या ये आपको जायका कराएंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करता, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद आपके साथ जेन्युइनली इनके जो रिव्यूज़ होंगे वो। अच्छा मोहतरम, सबसे पहले ये बताएं कि कितना टाइम हो गया जी इस पूरे सेटअप आपके का? 91 में मैंने शुरू किया था। अच्छा जी, प्रोफेसर कॉलोनी का। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये आपने मतलब खुद ही सारा सेटअप संभाला हुआ है? बिल्कुल, मैं इसके सब भी खूब। अच्छा, मैं खुद करता हूँ। अच्छा, ऑनर भी हूँ। अच्छा, सारी देखभाल खुद, माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपकी ये मोस्ट फेवरेट जो मैं मुझे सबसे ज़्यादा वो आपका स्टार फेवरेट आपकी दाल है जी, देसी घी। ऐसे ही है जी, देसी घी की जो आपकी दाल है उसमें ऐसा क्या मतलब आप कोई नुस्खे वगैरह मिलाते हैं कि वो इतनी ज़बरदस्त है और तो मोस्ट फेवरेट अभी तक वैसे ही है, मतलब क्या ऐसा राज है ये बताओ? दाल चने की जो है ना वो देसी दाल देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। आज का भाग में भी आ रही है। ठीक ठीक, उसकी पहचान होनी चाहिए, सिर्फ खाने का हमारा एक अलग तरीका है, बेहतर है। लोग आधे घंटे में घंटे में जाते हैं। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल 100 out of 100 आपको इसको देना, तो वो भी सिर्फ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे ना जिसको डिनाई नहीं किया कर सकते। देखते हैं और क्या क्या आपको मैं, फिलहाल तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप ज़रा सिनेमैटिक से व्यूज़ देखें उसके बाद आपसे मिलते हैं।
भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? अच्छा, सिर्फ आपको तंग करने का मकसद ये था कि मुझे ये बताएं खाना, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज देने हैं आपने। अच्छा, सस्ता इन अ सेंस मतलब बिल्कुल स्टूडेंट पैकेज में आता है। जबरदस्त जबरदस्त। जब आप खाना खा लेना तो उसके बाद एक ही चीज बच जाती है और वो है कहवा। ये कहवा ना, इस सारी दाल को कहवा जो है ना, ये बहुत आला है। और यहाँ का कहवा वैसे ही थोड़ा खास है, इसकी वजह ये है कि ये शहद वगैरह कुछ डालते हैं, पता नहीं अब डालते हैं नहीं डालते ये पता नहीं है, पैर वो कहते हैं कि शहद डालते हैं। इस कहवे की आखिरी सिप के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगर आपको ये अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें से, इन सारी चीज़ों में से, तीन डिशेज जो मैंने आपके साथ शेयर की इसमें से आपको क्या चाहिए। अपनों और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है और ख़ासकर जो बीमार है उन सबका बहुत ख्याल रखना है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। यार ये लड़के ना बड़े अच्छे लड़के हैं, ये कोई दूसरे तीसरे सेमेस्टर के हैं, इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। बड़े ही इखलाक वाले और बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, तो गुड लक फॉर देम। और आप भी सब इनको कह दीजिएगा कि अल्लाह इनको अपने फ्यूचर में और अपनी एम्स में कामयाब करे। जी लाला, क्या लगा रहे हैं जी? कावा लगा रहे हैं? कौन सा, शहद वाला कावा होता है या सिंपल कावा? ये शहद है जी, ये प्योर शहद है या ऐसे ही वो दो नंबर वाली शहद है? एक नंबर शहद है, छोटी मक्खी वाला। कावे में क्या डाला था यार? और शहद, ज़ैफ़रान, इलायची और नींबू और पानी और पत्ती, माँ बाप का दुआ। अच्छा, और कौन सी जगह पे यहाँ पे? मैं कैसे हूँ। अच्छा, किधर कहाँ बैठे हैं यहाँ? मैं अपना कावा दे सकता। कहाँ पे? किसी ढाबे।